ऐसा कौन ही होगा जो सर बोनिंग हसन को नहीं जानता है। बोनिंग हुसैन कहो, बोनिंग हसन कहो, बोनिंग हुसैन बोलो, एक ही बात है। प्रोनंसिएशन में वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बोनिंग हसन सर वॉज बोर्न इन द ईयर 1785। ही वॉज नॉट एन होम्योपैथ, बट 1827 में उन्हें टीबी हुआ था। उसके बाद उन्होंने उनके एक फ्रेंड से कंसल्ट किया था, डॉक्टर व्हील से। उन्होंने उन्हें पल्सातिला दिया था। आफ्टर 2-3 मंथ्स ही वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, और उसके बाद ही उनका होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगा। 1830 से ही वो होम्योपैथी और डॉक्टर हैनीमैन दोनों के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थे। 1832 में उन्होंने एक रिपर्टरी पब्लिश की थी, विच वॉज नेम्ड एज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमिडीज़। 1835 में ही उन्होंने सेकेंड रिपर्टरी पब्लिश की थी, विच वॉज रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक। 1836 में फिर बहुत सारी उनकी अलग अलग रिपर्टरीज आने लगी, लेकिन 1846 में जो आई वो एक मास्टरपीस था, जिसकी वजह से हम लोग आज सिंगल सिंपल प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। दैट वॉज बोनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बूस्ट इन ईयर 1846। वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द ग्रेटेस्ट फैक्ट अबाउट होम्योपैथी। हम लोगों ने 7 ऑक्टेट्स पढ़े हैं, सारेगामापाधनीसा पढ़ा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन ये 7 पॉइंट्स जो बोनिंग हसन सर ने दिए हैं, क्वीज, क्वीड, उबिंग, क्यूबिज, ऑक्सिलिस, क्यूर, क्यूमोडो एंड क्यूएंडो, क्या आप सब लोग इसका मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो चलो मैं बताती हूँ आपको। क्वीज इज रेफर्ड टू एज द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, जिससे हम अलग अलग पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। क्वीड इज रेफर्ड टू द नेचर एंड पिक्युलैरिटी ऑफ द डिसीज, डिसीज़ एक्यूट है, क्रॉनिक है, एक्यूट एग्जर्सर्बेशन है क्रॉनिक डिसीज़ का, वन साइडेड डिसीज़ है, मेंटल डिसीज़ है, लोकल मेलेडी काम करेगी है, कैसे उसे ट्रीट करना है ये हम जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नेचर डिसीज़ का जान करके ही। वो भी इज़ रिलेटेड टू द सेट ऑफ डिसीज़ की वो ब्रेन पर अफेक्ट कर रही है, हार्ट पर अफेक्ट कर रही है, हार्ट पर अफेक्ट कर रही है तो कैप्टस जाएगी, डिजिटलिस जाएगी, जल्सीमियम जाएगी। अगर वो ब्रेन पर एक्ट कर रही है तो कौन सी मेडिसिन जाएगी, डेलिरियम की कंडीशन है तो भी हमारे पास 3 मेडिसिन है, बेलाडोना है, हायसाइमस है, स्ट्रामोनियम है। अगर वो नर्व्स पर एक्ट कर रही है तो हमारे पास हाइपेरिकम है, हिपरसल्फ है। अगर वो किसी इंटरनल ऑर्गन पर अफेक्ट कर रही है तो हमारे पास साइलिशिया है, सीपिया है। मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स पर अगर वो सीट ऑफ एक्शन है उस डिसीज़ का तो हमारे पास अलग अलग मेडिसिन है, तो हमें सीट ऑफ एक्शन या सीट ऑफ डिसीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्यूबिज ऑक्सिलिस। वॉट डज क्यूबिज ऑक्सिलिस मीन्स? इट रिफर्स टू द एक्म्पेनिंग सिम्टम्स कि उसके साथ साथ में कौन सा और सिम्टम है। क्योर मीन्स द कॉज ऑफ द डिसीज, इसको क्यूर बोलते हैं, जो इसका लैटिन में प्रोनंसिएशन है दैट इज क्यूर, क्यूर द कॉज ऑफ द डिसीज। वॉट इज द कॉज ऑफ द डिसीज? क्यूमोडो मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मॉडिफिकेशन कि वो डिसीज हमारी बॉडी में क्या एग्रावेशन प्रोड्यूस कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है। या तो हम समझे इसे ऐसा कि वो मेडिसिन जो जा करके एक एग्रावेशन या इम्प्रूवमेंट हमारी बॉडी में ला रही है, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू क्यूमोडो। क्यूएंडो मीन्स दिस कंसर्न्स विद द टाइम ऑफ अपीरियंस ऑफ एग्रावेशन और द इम्प्रूवमेंट ऑफ द अलाइनमेंट्स। क्यूएंडो मतलब कब वो डिसीज़ आई, या कब उसका एग्रावेशन हुआ, या कब उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये थे 7 ऑक्टेट्स जो दिए थे हमें बोनिंग हसन सर ने। क्वीज, क्वीडुबी, क्यूबिस ऑक्सिलिस, क्यूर, क्यूमोडो, क्यूएंडो, विच मीन्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, नेचर एंड पिक्युलैरिटी ऑफ डिसीज, द सीट ऑफ द डिसीज, एकम्पेनिंग सिम्टम्स, द कॉज ऑफ द डिसीज, मॉडिफिकेशन, एग्रावेशन और इम्प्रूवमेंट विद द पेशेंट, and time of appearance of aggravation or the improvement of the alignment. I hope you like this video. If you want such more videos, do subscribe to the channel Medico Swami.